ये फ्रॉड के ये कदे भी ये चीज आना कदे चीज नहीं करनी। अच्छा अपना कदे अकाउंट नंबर नहीं देना कुछ ही, अपना नाम नहीं दसना, अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं दसनी, सनानी कुछ ही आधार कार्ड नंबर मैं एक एग्जाम्पल दिया ना, मेरे मल एक फौजी रिटायर हो गया बेचारा, ठीक है, वो 25-30 लाख रुपया बैंक अकाउंट पे था, थोड़ा शराब पीता हो, ये वो डिसएडवांटेज ही, उन्हें क्या करना रात उसी रोज़ मैसेज आना कुछ का, हाँ जी आपके अकाउंट में ऐसा करें, 3 लाख रुपया अकाउंट टूट रात हो गया, ठीक है। कदे भी कोई मैसेज आए, कदे भी कोई कॉल आए, तो ये चीज़ अटेंड नहीं करनिया, कॉल ही बंद करी उठा, ठीक है। कदे थोड़ा लिखा होना कहीं फोन के कहीं मैसेज आता जोड़ा वो ब्लू कलर से लिंक बने दा कोई, ठीक है, लिंक वाले मैसेज ही कभी भी खोलें, कोई जान पहचान का बंदा है उसने भेजा तभी खोलो, ऐसे लिंक वाले मैसेज मत खोलो, लिंक वाला मैसेज कोई वायरस भी हो सकता है आपके अकाउंट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर जा सकता है वो, ठीक है। तो ये सारे कुछ फायदे हैं और कुछ नुकसान हैं, ठीक है। कोशिश करो आप डिजिटल ट्रांजेक्शन करो और अपने पेरेंट्स को भी सिखाओ, ठीक है। पेरेंट्स घर के जो मोबाइल के बिल भरते हो आप लोग, मोबाइल के बिल भरते हो और क्या क्या बिल भरते हो आप, मोबाइल के रिचार्ज हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, केबल का, टीवी का, डिश का, ये सब का, तो ये सारे रिचार्ज इसके थ्रू ही करा करो। इससे क्या फ़ायदा है कि एक तो कैशबैक आराम से आ जाता है कभी ना कभी, ठीक है, घर बैठिए सारा काम हो जाना, इसलिए मतलब की डिजिटल बैंकिंग का ये बेनिफिट है की तू घर बैठिए आराम द बैठी अपने घर, कुदे जाने की जरूरत नहीं, ये जनानी काम होता घर, वही घर छड़िए बच्चे नहीं जान होता। हाँ आप करते हो बेटा, आपको पता ऑनलाइन यही करती है मेरी लड़की। हाँ ये देखो ये बड़ी अच्छी चीज है कि आप की पोती है नाती है, तो कोशिश करो जितना से जितना ज्यादा है वो डिजिटल ट्रांजेक्शन करो, कि मतलब बैंक पे जाने की आपको जरूरत ही ना पड़े। अभी 3-4 महीने हो गया ना, क्या करती हमें पता नहीं था, अच्छा तो मोबाइल पे आ जाता था, पहुँची है डैडी वो आ गया, बिल आ गया, तो मैं हो सकता हूँ बिल मीटर जो है बिजली मीटर वो लग लिया है, फिर आपने उसको पूछा ये आ गए इसके फायदे कि बैंक का जो ऑनलाइन पैसे भरने के फायदे क्या है। जैसे आपको 200 रुपया बिल भरा किसी ने, तो 5 रुपये या 10 रुपये कई बार वापस भी आते हैं, कैश इसको क्या बोलते हैं, नहीं कैश बैक, हाँ जी बैंक को आपको वापस भी करता है वो पैसे, क्यों कहाँ से देता है वो बैंक, आप जैसे बैंक जाओगे एक तो आपका समय टूटेगा, ठीक है। बैंक सबसे बड़े ऑनलाइन बैंकिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, ये 24 घंटे आपके लिए खुला बैंक ऑनलाइन जो है वो 24 घंटे आप बैंक के साथ लेन देन कर सकते हो। नहीं तो आपका बैंक का क्या, 5 बजे बैंक बंद हो जाता है, उसके बाद किसी को पैसे जमा करवाने हैं तो क्या करना है, तो उसके लिए आप क्या करते हो, हमें ऑनलाइन करना है, ठीक है। ऑनलाइन करने के कितने तरीके हैं आपके, पेटीएम का एक होता है, गूगल पे का नाम सुना तुमने, मोबाइल पे दिखा और टीवी भी दिखते हुए गूगल पे, पेटीएम, पेटीएम नाम सुना क्या, ये हो शॉपिंग करने जाते हो, दुकानदार पर कोई शॉपिंग करने जा रहे हो, तो लोग यूज करते हो, ठीक है। तो कोशिश करो जिन्ने को जितना ज्यादा अपना ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करो, फायदा क्या है, सबसे बड़ा फायदा क्या बेटा आप खाओगे, सबसे ज्यादा फायदा हमें इस चीज का होता है कि हमें 24 आवर्स होता है, हम कभी भी कैसे भी कहीं पे भी कुछ भी पे कर सकते हैं, कुछ भी पे कर सकते हैं। एंड उसके बाद हमारा और भी फायदा होता है कि हमारा बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, कि हमारे पैसे बच गए जो हमने बैंक जाना है, एक तो टाइम बच गया, पैसे बच गए जो हमने पेट्रोल खर्च करके बाइक्स में स्कूटी पे जाना है, लेडीज का घर का काम का हो जाता है फटाफट, फोन पे किया सब कुछ हो गया। और सबसे बड़ी वाली बात, जब आप किसी को फोन पे, पेटीएम या फिर गूगल पे से कुछ भी पे करते हो, आपको वहाँ से वाउचर्स भी आते हैं, वाउचर्स मीन्स कि
गिफ्ट आते हैं, गिफ्ट होते हैं आपको बाकी ऐप्स पे, किसी भी आप सुनते हो फ्लिपकार्ट, अमेजोन, सबको पता है यहाँ पे फ्लिपकार्ट अमेजोन।